नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 17 अगस्त 2024 और दिन है शनिवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए 8 की बजाय मिलेंगे 18 रुपए। कुपोषण से बचाने राशि बढ़ाएगी केंद्र सरकार। प्रदेश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से भी सुझाव मांगा था। राज्य सरकार ने पोषण आहार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्तमान में 8 से 12 रुपये तक प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए खर्च किए जाते हैं। वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद भारत सरकार पोषण आहार की राशि 8 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये और 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने जा रही है। खाद्यान्न लेने में चूके तो 31 अगस्त के बाद कंट्रोल से लौटना पड़ेगा खाली हाथ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से खाद्यान्न लेने के वालों के लिए अहम और बड़ी खबर है। राशन वितरण प्रणाली में सरकार ने 12 अगस्त से बदलाव किया है। इसमें उपभोक्ता ने अगर 31 अगस्त तक कंट्रोल से खाद्यान्न नहीं लिया तो उस राशन लैप्स हो जाएगा। उसे अगले महीने में पिछले माह का खाद्यान्न नहीं मिलेगा। उपभोक्ता की कहीं भी शिकायत भी नहीं सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में निकाय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अब 3 वर्ष के पहले नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध 3 वर्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि बढ़ाने पर दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस में सहमति बनने के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी में बोले, गढ़ासरई समनापुर तहसील बनाई जाएंगी, गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी पहुंचे, जहां आभार सह उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 147.6 करोड़ के 38 विकास कार्यों की सौगात दी। कहा कि नर्मदा के किनारे बसे शहरों में घाटों का निर्माण होगा, गांव में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की। बोले, किसान भाई बहनों की स्थिति अच्छी होगी। डॉक्टर और कलेक्टर तय करेंगे हेलीकॉप्टर से जबलपुर या किसी अन्य शहर भेजा जाएगा, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। गढ़ासराई समनापुर को तहसील बनाने की घोषणा की। शव वाहन और एम्बुलेंस भी देंगे। प्रधानमंत्री की 4 जातियों पर मिशन मोड में चलेगी मोहन सरकार। प्रधानमंत्री की 4 जातियों पर मिशन मोड में चलेगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवम्बर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। खंडवा से खरगोन, बड़वानी आलीराजपुर तक निकलेगी नई रेल लाइन, सवे को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने आम बजट में शामिल रेल बजट का विस्तृत विवरण बुधवार को जारी किया गया है। इस बजट में रेलवे ने निर्माण को बड़ी सौगात देते हुए प्रस्तावित खंडवा आलीराजपुर रेल लाइन के सवे को मंजूरी दे दी है। इस नई लाइन का सवे 6.25 करोड़ में होगा। अब निर्माण सीधे गुजरात से जुड़ सकेगा। राज्य के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू होगी ये योजना। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि वेतन से एक निश्चित अंशदान काटने के साथ शेष राशि सरकार जमा कराएगी। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, महाराष्ट्र में एमपी के आदिवासी बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला उठाया। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र मजदूरी करने गए आदिवासी परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण ये परिवार अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर पीएम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तलब करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के सप्रे संग्रहालय में भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा महोत्सव हमारी समृद्ध भाषाओं और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और प्रोत्साहित करने का अद्भुत अवसर है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। अब गांवों में खत्म होगी प्रधानपति की प्रथा। केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। 18 राज्यों में अध्ययन जारी। देशभर की 2.5 लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे सरपंच पति और प्रधानपति जैसे शब्द इससे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की और प्रयास तेज किए हैं, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ये प्रथा खत्म हो जाए। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही होगा ट्रांसफर। कैबिनेट में पास होगी तबादला नीति। प्रदेश में पिछले 1.5 साल तबादलों पर लगी रोक मोहन सरकार हटाने जा रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति तैयार कर ली गई है और विभागीय मंत्री से इसका अनुमोदन भी हो गया है। अब जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके अनुरूप ही मध्य प्रदेश में तबादले किए जाएंगे। इसके पहले राज्य सरकार ने मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के प्राथमिकता वाले जिलों का प्रभार वरिष्ठ मंत्रियों को दिया गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए रक्षाबंधन के दिन भी लिए जाएंगे नामांकन पत्र। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 21 अगस्त तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अभी तक एक भी नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन विधानसभा सचिवालय खुलेगा और नामांकन पत्र लिए जाएंगे। एमपी में डॉक्टरों की हड़ताल। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया के डॉक्टरों ने भी बंद किया काम। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद नरेशंस हत्या के विरोध में देशभर में डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं। अब इनके समर्थन में हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये हड़ताल प्रदेशव्यापी हो गई है। हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार रात 12 बजे से काम बंद कर दिया था। वह शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। इससे मरीजों को उपचार मिलने में परेशानी हो रही है। स्वजन भी परेशान दिखे। जांचें प्रभावित हुई। कई मरीजों के ऑपरेशन ही नहीं हो सके।